चलो आज हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं टेंस, टेंस वॉइस क्या अंतर है, कैसे समझेंगे पूरा, 5 से 10 मिनट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। अगर आपने पहले रूल्स पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर से बता देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आपसे भी पूछेंगे और हम भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले बिल्कुल जीरो लेवल से टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, प्रेजेंट का होता है, पास्ट के होते हैं और फ्यूचर होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट भी 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर भी 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर हुआ। पहला होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, है ना, तीसरा होता है परफेक्ट, है ना, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। बहुत फास्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 4 प्रकार के होते हैं, है ना। इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। ऐसे उसको पूरा लिख देते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर हुआ। ओके चलो अब इनको डिटेल से देखना है इनको। सबसे पहला हमारा जो है प्रेजेंट इनडेफिनिट, ठीक है ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट। इसकी जो पहचान होती है, ता है, ते है, ती है, याद है, गुड, है ना, ता है, ते है, ती है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है क्या लगती है, डू और डज लगता है। डू किसके साथ में लगता है, प्लूरल के साथ में लगता है, और डज किसके साथ में लगता है, सिंगुलर के साथ में लगता है। क्लियर हुआ। ये तो हो गई बेसिक सी बात। इसका जो सूत्र होता है सिंपल का, क्या होता है सिंपल का सूत्र, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगता है और एस और ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। पढ़ चुके हो। अगर सिंगुलर का हुआ तो एस और ई एस लगेगा, प्लूरल का हुआ तो एस और ई एस नहीं लगता है, सिंपल में, है ना। इसका निगेटिव का सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डू डज, हमने पहले ही बताई हुई थी, ठीक है ना, डू और डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो लगता है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। आगे आते हैं, ये सिंपल का हो गया, ये निगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव की ओर आते हैं। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, डू डज, हमको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि याद हो जाएगा, डू डज। फिर क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये हमने बताई हुई है, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछने वाले हैं। 3 प्रकार के ही सेंटेंसों की बात करेंगे, सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डब्ल्यू एच, ये सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले इसी चीज़ को लेके चलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़। ये हो गई प्रेजेंट इनडेफिनिट, ठीक है ना। अब आते हैं हम प्रेजेंट, अभी पैसिव वॉइस की बात नहीं करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हेल्प, इसकी वाक्य पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर हुआ। रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है, इज, एम, आर, यही लगती है, इज, एम, आर। इज किसके साथ में लगता है, सिंगुलर के साथ में, आई के साथ में एम लगता है, और आर किसके साथ में लगता है, प्लूरल के साथ में, है ना, यही ना है। इसका सूत्र बना लेते हैं जल्दी से। सूत्र कैसे बनेगा, सिंपल का सूत्र सबसे पहले बनाना, किसका, सिंपल का। सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर क्या लगाना है, वर्ब। इसमें जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। कम कम शब्दों में इसलिए समझा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी समझा पाएंगे, ठीक है ना।
सिंपल का सूत्र हो गया, सिंपल का क्या सूत्र होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तीनों में से कुछ भी एक लगाना है, ठीक ना। जो सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, आई के साथ में एम लगेगा, प्लूरल के साथ में आर लगेगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, एक एक एक्सरसाइज बाद में भी देखेंगे। ये सिंपल का हो गया। निगेटिव का क्या बात किए थे, निगेटिव में जैसे हमने इसका निगेटिव बनाया था, सेम टू सेम इसका ही निगेटिव बनाना है। जैसे क्या लगा हुआ है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा हुआ है, लगा दो सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हेल्पिंग वर्ब इसकी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ये हमने केवल हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि आप ई जे एम आर लगा लेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म की बात हो रही है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें लगेगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता था, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। लेकिन निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव में क्या लगेगा, सबसे पहले नॉट लगाना तो भूलेंगे ही नहीं, नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, ये निगेटिव का सूत्र हुआ। इंट्रोगेटिव में हमने यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इसकी भी क्या होती है, इज एम आर प्लस फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्लियर हुआ, दो हो गए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, सिंपल निगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्लियर, अब जल्दी से आते हैं आगे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कोई भी काम हो चुका होगा प्रेजेंट में, ठीक है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव, सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव। क्लियर है, ओके। सूत्र ऐसे ही बनाना है, सूत्र कैसे बनेगा, कंटिन्यूअस का याद था कैसे बना था सूत्र, सबसे इसमें ये चीज याद रखना, सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट लगाना है प्लस हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज हैव लगेगी तो हैज हैव लगा देना, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म लगाओगे आप, और प्लस ऑब्जेक्ट, सूत्र बन गया सिंपल का। निगेटिव की बात करेंगे अब, तो निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की जो भी फॉर्म आप लगाते हैं थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। अब अगर बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, हैज हैव लगाओगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, ये तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लिए। अब आते हैं हम परफेक्ट हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी जो वाक्य पहचान होगी, मेन चीज याद रखना है इसमें, इसमें टाइम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, समय दिया रहेगा इसमें, कोई भी काम होगा तो समय की बात होगी, ठीक है ना। इसका सूत्र देख लेते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब का तो काम ही है, सबसे पहले वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, हैव प्लस बीन, क्या लगेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ बीन, ओके, क्या लगेगी, हैज हैव प्लस बीन, ठीक। अब हम बनाते हैं जल्दी से सूत्र, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, हैज हैव है, प्लस बीन लगेगी, प्लस क्या लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस लास्ट में सिंस या फॉर लगेगा, इसको बिल्कुल ना भूलना, सिंस फॉर भी बताएंगे अभी कि कैसे लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट करा रहे हैं, पूछेंगे भी आपसे। सिंपल का सूत्र हो गया, निगेटिव का कैसे बनाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके आओगे, फिर सब्जेक्ट लेके आओगे, प्लस बीन लेके आओगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर सिंस फॉर लगाओगे, ठीक है ना, सिंस फॉर लगाओगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, ठीक है। रिवाइज एकदम इसी तरह करते हैं, जब घर में पढ़ते हैं तो इसी अंदाज में पढ़ते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फटाफट, फिर एक्सरसाइज में आएंगे लास्ट में, क्लियर हुआ। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं, सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, बताओ कहाँ लगेगा सिंस और फॉर, सिंस लगेगा डेफिनाइट टाइम पे, है ना, नहीं निश्चित समय पर, कहाँ पे लगेगा, और ये अनिश्चित समय की बात हो गई। हमने कहा सुबह आएंगे हम, तो सुबह ही आएंगे, रात में थोड़ी ना आएंगे, हमने कहा 7 बजे आएंगे, 7 बजे से पढ़ेंगे तो 7 बजे से ही पढ़ेंगे, है ना, निश्चित समय की बात कर रहे हैं, 8 बजे थोड़ी ना दौड़े आएंगे। हमने कहा कि तुम्हारी ट्रेन 10:30 में आती है, कितने बजे आती है, 10:30 में, 10:30 में ही आएगी, वो बात अलग है, लेट हो, लेकिन निश्चित समय क्या है, 10:30। हमने कहा सोमवार से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, सोमवार से, ठीक है ना, सोमवार से, तो क्या कहें, सोमवार से ही ना पढ़ाएंगे। हमने कहा जनवरी से आना है, जनवरी में हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो जनवरी में ही होंगे, कह दिया तो ये सारे समय क्या है, निश्चित है। अगर हमने कहा 2021 में कोरोना आया था, हाँ देखो 2021 में ही आया था ना, 2022 में थोड़ी ना आया था, ठीक ना, ये निश्चित समय की बात है। अब इन सब चीज़ों को छोड़ दो, जो चीज़ें इसके अलावा शब्द बोलें वो अनिश्चित है। जैसे हमने कहा 2 घंटे में आते हैं, अरे कौन से 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, अभी से जोड़ूँ कि आगे वाले आने वाले समय से जोड़ूँ, है ना। अगर हमने कहा 4 दिन से आएंगे, 4 दिन बाद पढ़ेंगे अंग्रेजी, तो कौन से 4 दिन, निश्चित नहीं है, फंसाने की बात कर रहे हैं, तो ये अनिश्चित है, ठीक है ना। इनकी डीप चर्चा हम आगे वाले काम में भी करेंगे, ठीक है ना, अभी आगे पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो, हालांकि ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चले अब क्या पढ़ना है, अब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरे हो गए, प्रेजेंट पूरा हो गया, अब पास्ट में आते हैं, ठीक है ना। पास्ट का इंडेफिनिट बिल्कुल बिल्कुल कम समय में, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, इतने ही छोटे छोटे चीज में पढ़ेंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बस इसी तरह पढ़ेंगे, इतने छोटे में समझ में आ जाएगा, देखना कैसे। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट का सूत्र क्या होता है सिंपल का, बस ठीक है ना, सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, सिंपल बस में। कॉन्टिन्यूस का सूत्र क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म सिंपल में, और वर्ब फॉर्म और सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी जगह, जहाँ पे डिड लगेगा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगती है वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, क्लियर हुआ, ठीक। लेकिन यह है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे अभी, ठीक है ना, लेकिन पहले सूत्र देख लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट परफेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है, यही सूत्र हो गए सिंपल सिंपल के। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं, तो डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है ना, वाज और वर होती है कॉन्टिन्यूस की, परफेक्ट की होती है हैड, और इसकी होती है हैड प्लस बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्लियर होगा। इसकी पहचान जो होगी था थे थी या ए ई, ठीक है ना, इसकी जो वाक्य पहचान होगी रहा है रहा था रही थी रहे थे, इसकी परफेक्ट की हो जाएगी चुका था
चुकी थी चुके थे, ठीक है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी, समय के साथ रहा था रही थी रहे थे, ठीक है, क्लियर हो गया, पता चल गया। अब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव केवल एक ही सूत्र होता है, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का जो भी फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट, ये सभी में लगेगा, ये तीनों जितने हैं चारों सब में यही सूत्र लगेगा, बस आपको इसमें बिल लगाना है, तो इसमें बिल लगा देंगे नॉट के बाद। पढ़ा चुके हैं ना प्रेजेंट में। अगर ये इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ये सूत्र जो है सभी में काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म जो लगती है जिस टेंस में उसी के अनुसार लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, अगर सिंस फॉर लगता है सिंस फॉर लगाने के बाद, समझ में आ गया ना। ऐसा सेम टू सेम फ्यूचर में, फ्यूचर में भी जल्दी एक मिनट में समझ लेंगे, ठीक है ना, फ्यूचर भी एक मिनट में समझ लेंगे। फ्यूचर की बात करूंगा, फ्यूचर इनडेफिनिट की तुमको क्या पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब विल सेल, फ्यूचर इनडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना, विल सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इनडेफिनिट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल सेल प्लस बी, ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना, will sell plus have verb का third form, verb का third form future perfect। अब अगला है will sell plus have plus been verb का fourth form future perfect continuous, future perfect कॉन्टिन्यूअस, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना, समझ गए, बना लोगे सूत्र, बस यही सूत्र लगाने हैं जो हमने प्रेजेंट में पढ़ाए हैं, बस इसी सूत्र को अप्लाई कर देना है। वर्ब की फॉर्म पता हो गई है, पहचान इसकी गा गे गी, फ्यूचर इंडेफिनिट, रहा होगा रही होंगी रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा चुकी होंगी चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट का समय के साथ रहा होगा रही होंगी रहे होंगे, क्लियर हुआ, ठीक है ना। पैसिव वॉइस की बात कर